हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज रात आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो देख रहे ना कार्ड्स कितने परफेक्ट आए हैं, यहाँ पर आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी नज़र आ रही है और आपका पर्सन भी बहुत अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये एहसास इस पर्सन को अभी अभी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को ना कोई नाम देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच कितना प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जैसे कि एक चुंबक की तरह आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आप दोनों का ये प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और ये गहराते हुए प्यार को ये पर्सन नाम देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, ऐसा महसूस कर पा रहे हैं ये पर्सन कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये पर्सन जब कभी भी आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन से रहा ही नहीं जाता और ये रिटर्न आपकी तरफ वापस आ ही जाते हैं। जब कभी भी आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, आप दोनों की बात नहीं हो रही होती है, तो ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि इस पर्सन का कोई अपना ही इस पर्सन से बिछड़ गया है और ये अपनापन जो आपसे इस पर्सन को मिल रहा है, इस रिश्ते में रहते हुए इस पर्सन ने जो कुछ भी आपसे सीखा है, आपने इस पर्सन से सीखा है और आप दोनों ने जो अपनी एक दूसरे के साथ जर्नी जो आपकी पास्ट से लेकर अब तक की रही है ना, एक दूसरे के साथ में जो शेयर की है, आप दोनों को और भी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करने में ना मदद कर रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको जितना अच्छे से जानते जा रहे हैं ना, उतना ही एहसास इस पर्सन को होता जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं पाएंगे। इसलिए ये पर्सन जब कभी भी दूर जाने का ख्याल भी अपने दिल में लाते हैं तो ये रह नहीं पाते, तड़पने लगते हैं और इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस पर्सन का ही कोई काउंटर पार्ट इस पर्सन से अलग हो किया है। तो आप दोनों एक ही सोल से बने हैं, ऐसा इसलिए आप दोनों ही महसूस कर पाते हैं और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा इसलिए भी हो रहा है। तो ये पर्सन देख रहे ना कि जब कभी भी आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, रिटर्न आपकी तरफ आ ही जाता है। इस पर्सन को ये ख्याल आता है कि इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि अगर इस पर्सन ने इस रिश्ते को खोया तो शायद ये अपने आप को ही खो देंगे, ऐसा महसूस ये आज शाम भी कर रहे थे और आज रात भी ये पर्सन ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो रहना, यहाँ पर हमारे पास द लवर्स के साथ साथ सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे तो ये रिटर्न वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में जो आपकी अहमियत है, जो आपकी वैल्यू आपने बनाई है इस पर्सन की ज़िंदगी में, वो कभी भी किसी और की नहीं रही। और यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स के साथ साथ हमारे पास सिक्स ऑफ वांड्स भी आया है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये पर्सन ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते अपने सर की इस पर्सन ने प्यार किया और ये पर्सन धोखा देकर चला गया। आप तो इस पर्सन को ऐसा ही सोच रहे होंगे, इस पर्सन के मन में ये ख्याल बार बार आज रात आ भी रहे हैं। इस पर्सन को ये थॉट बहुत बुरी तरह से सता रहा है कि आप इस पर्सन को बेवफा समझ रहे हैं और यही वो वजह है कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं और ये पर्सन बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ भी जाएंगे। और देख रहे ना, इस रिलेशनशिप में आप दोनों को विक्ट्री मिलकर रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक फायरी एनर्जी रखते हैं और इसी एनर्जी की वजह से ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहा। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में एक ही ख्याल है, एक ही थॉट आ रहा है बार बार कि इस पर्सन को आपसे शादी करना है, जल्द से जल्द इस पर्सन को सहरा सजाकर घोड़ी चढ़नी है। तो देख रहे ना, यहाँ पर सिक्स ऑफ वांड्स के कार्ड में एक पर्सन है
घोड़े पर सवार है और आप ही की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर्सन को आपके इनके रिलेशनशिप को नाम देना है। आपसे शादी करने का सोच रहे हैं ये पर्सन, और बहुत जल्द ये पर्सन ऐसा करते हुए नज़र भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र आ रहा है, एक्शन लेता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगर ये आपसे बहुत दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, तो भी ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि 6 डेज से लेकर 6 वीक्स के अंदर अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपको बहुत सारी खुशियां देगा। आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं, और आप दोनों को कोई जुदा भी करना चाहे तो जुदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों बने ही एक ही सोल से हैं, इसलिए जुदा होकर रह ही नहीं पाएंगे। कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, आपके दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कते रहेंगे। ये एहसास इस पर्सन को आज रात होने भी वाला है, और आपको भी एहसास बहुत पहले हो चुका है। आप जानते हैं ये बात, बट आपका पर्सन अनजान था अब तक इस बात से। तो आज रात इस पर्सन को भी ये एहसास होगा कि ये पर्सन और आप एक ही सोल से बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का ये जो परफेक्ट मैच है ना, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ओके व्यूअर्स, और हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है, द वर्ल्ड आया है, तो देख रहे हैं ना, आपके पर्सन की लाइफ में एक कर्मा साइकिल थी जो चली आ रही थी, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। अब ये पर्सन इसका एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पर्सन ग्राउंडेड रहते हुए इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने के बारे में सोचने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ में पूरी दुनिया घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने अब तक जो कुछ भी अर्न किया है वो इसीलिए किया है ताकि ये आपको हर वो खुशी दे सकें और आपके साथ में एक अच्छा लाइफस्टाइल ना शेयर कर सकें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र भी आ रही हैं। यहाँ पर आपके जितने भी सपने हैं और आपके पर्सन के जितने भी सपने हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्सन है जो ग्राउंडेड रहते हुए ही और बिना ईगो, बिना घमंड, बिना किसी स्वार्थ की आपकी तरफ बढ़ेगा और आपको खुशियां देगा। और यहां पर जो कर्मा साइकिल थी उसको एंड करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगी। तो यहां पर ये सारी चीज़ों को मैं होते हुए देख पा रही हूं, और आज रात बार बार आपके पर्सन में ये ख्वाहिश जन्म लेती हुई नज़र भी आ रही है कि इस पर्सन को आपका बनना है, आपको इस पर्सन का बनना है, आप दोनों को एक होना है। तो यहाँ पर बार बार इस पर्सन के मन में ये थॉट्स आने वाले हैं। आज रात ये पर्सन ऐसा महसूस करेंगे, जैसे जैसे रात बढ़ रही है, इसकी जो इमोशंस हैं वो भी ओवर कंट्रोल होते जा रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत हो गई दूरियाँ, अब इन दूरियों को मिटाना है, अब आप दोनों को एक होना है, अब आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों को एक होना ही है। तो ये ख्याल इस पर्सन के मन में लेट नाइट आने वाले हैं, और ये पर्सन लेट नाइट जो ओवर थिंकिंग करेंगे उसमें आपको लेकर इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में भी सोचने वाला है, क्योंकि आपके आने के बाद से इस पर्सन के जीवन में बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं, और ये पर्सन इन चेंजेस को महसूस भी कर पा रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो, या आप इस पर्सन से पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म करके कहीं और किसी और में इंटरेस्ट ना लेने लग जाएं, तो ये तड़प, ये बेचैनी इस पर्सन में आज रात रहेगी, और इस पर्सन में ऐसे बदलाव और देखने को मिल सकते हैं आपको बहुत जल्द ही, कि ये पर्सन खुद आके आपको प्रपोज करेंगे, आपसे शादी करेंगे। ये शादी का ऑफर आपके पर्सन की तरफ से ही आपको मिलने वाला है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।